सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आज एक बड़ी और अहम बैठक की गई। सपा के जो बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, उनके साथ आज करीब 3 घंटे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चली और बैठक में सीधे तौर पर निर्देश दिया गया, जिसमें मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे समेत 5 बड़े चेहरे थे। उनको कमेटी बना करके एक जो है टारगेट दिया गया कि पूरे प्रदेश में जाकर के समाज के साथ सम्मेलन करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछली गवर्नमेंट में 12 में जो अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री बने थे तब भी और आगे आने वाले दिनों में बड़ी हिस्सेदारी, चाहे मंत्रिमंडल में रहा हो चाहे विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा हो, बड़ी हिस्सेदारी दी थी और उसी पैटर्न को इस बार भी लागू करने के प्रयास में समाजवादी पार्टी है। क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो खासा अहम माना जा रहा है, यही वजह है कि अन्य दल भी उन्हें रिझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से लगातार चाहे परशुराम जयंती और परशुराम मूर्ति लगवाने की का मुद्दा रहा हो या फिर सामाजिक रूप से उनके साथ बैठक करके उनके न्याय की लड़ाई के लिए सदन से सड़क तक उठाने का मुद्दा रहा हो, पिछले करीब 9 महीने से लगातार इस पर उनका काम जारी है और उसकी स्पीड तेज करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अहम बैठक भी की थी। चेयरपर्सन अरशद खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उसका अपना अंदरूनी मामला है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी और कार्यकर्ताओं ने ही बड़े बड़े नेताओं को हराया है। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की पार्टी है और ये अकेली पार्टी है जिसने एक मनरेगा में मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भी भारत की लोकसभा में, भारत की राज्यसभा में और भारत के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को टिकट पार्टी देगी वो सब जीत करके आएंगे। किन्हीं भी नेताओं को जिता लड़ा ले भारतीय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए और साइकिल की बटन दबाने के लिए 2022 में आतुर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आज एक बड़ी और अहम बैठक की गई। सपा के जो बड़े चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, उनके साथ आज करीब 3 घंटे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चली और बैठक में सीधे तौर पर निर्देश दिया गया, जिसमें मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे समेत 5 बड़े चेहरे थे। उनको कमेटी बना करके एक जो है टारगेट दिया गया कि पूरे प्रदेश में जाकर के समाज के साथ सम्मेलन करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछली गवर्नमेंट में 12 में जो अखिलेश सरकार मुख्यमंत्री बने थे तब भी और आगे आने वाले दिनों में बड़ी हिस्सेदारी, चाहे मंत्रिमंडल में रहा हो चाहे विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा हो, बड़ी हिस्सेदारी दी थी और उसी पैटर्न को इस बार भी लागू करने के प्रयास में समाजवादी पार्टी है। क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण जो वोट बैंक है वो खासा अहम माना जा रहा है, यही वजह है कि अन्य दल भी उन्हें रिझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से लगातार चाहे परशुराम जयंती और परशुराम मूर्ति लगवाने की का मुद्दा रहा हो या फिर सामाजिक रूप से उनके साथ बैठक करके उनके न्याय की लड़ाई के लिए सदन से सड़क तक उठाने का मुद्दा रहा हो, पिछले करीब 9 महीने से लगातार इस पर उनका काम जारी है और उसकी स्पीड तेज करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अहम बैठक भी की थी। चेयरपर्सन अरशद खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उसका अपना अंदरूनी मामला है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कार्यकर्ताओं को लड़ाएगी और कार्यकर्ताओं ने ही बड़े बड़े नेताओं को हराया है। समाजवादी पार्टी किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की पार्टी है और ये अकेली पार्टी है जिसने एक मनरेगा में मजदूरी करने वाले व्यक्ति को भी भारत की लोकसभा में, भारत की राज्यसभा में और भारत के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं को टिकट पार्टी देगी वो सब जीत करके आएंगे। किन्हीं भी नेताओं को जिता लड़ा ले भारतीय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए और साइकिल की बटन दबाने के लिए 2022 में आतुर है।